फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू क्लास। आवर टूडेज क्लास इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर बर्ड टॉक। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। जो बर्ड वो हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। पीपल आर फनी, पीपल आर फूलिश, पीपल आर इंटेलिजेंट। देखो, अकॉर्डिंग टू आवर पोएम, बर्ड हम लोगों को क्या सोचते हैं, पीपल आर फनी। So the correct answer is number one, people are funny. Okay, then sound of bird is roar, chirrup, na grunt. We know that the sound of bird is chirrup. So option B is correct answer. Student, this types of question is very important for your first periodic test that is coming next month. You know that now it is online exam, so it is very important. Then question number 3, which bird lays the largest egg? Kaun sa pakshi jo sabse bada ande dete hai, hummingbird, ostrich or peacock? The answer is hummingbird, option B. Okay, next question, question number 4, which of these body parts बर्ड डू नॉट हैव, कौन सा बॉडी पार्ट जो बर्ड को पक्षी को नहीं रहते हैं, टीथ, टूस ना ब्रेन। देखो, टूस एंड ब्रेन तो रहते हैं, लेकिन टीथ हम लोगों को रहते हैं, मनुष्य को, तो टीथ नहीं रहते, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, देन नंबर 5, देखो, व्हिच इज द ओनली टाइप ऑफ बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। देखो, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी है, एक ही है, जो पीछे भी उड़ सकते हैं, ईगल, ऑस्ट्रिच और हमिंग बर्ड। द करेक्ट आंसर इज नंबर सी, हमिंग बर्ड आगे और पीछे दो तरह से वो उड़ सकते हैं। देन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चूज द बर्ड दैट कैन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक बिना रुके चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, कौन, क्रेन, पिजन और पेंगुइन। इट इज क्रेन। यू नो दैट क्रेन एक जगह से दूसरा जगह पे चला जाता है और वो बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। देन देखो नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुइटेबल ऑप्शन, डैश हैव वाटर प्रूफ फेदर्स। देखो स्टूडेंट्स, एवरी बर्ड हैव फेदर, लेकिन वाटर प्रूफ, जो पानी नहीं जाते अंदर, वो किसका है, हेन, डक और पीकॉक। देखो ये कॉमन सेंस है, हेन इसका नहीं रहते क्योंकि पानी में नहीं रहते, डक, डक पानी में रहते हैं, तो इसका भी वाटर प्रूफ फेदर है, इसलिए पानी अंदर नहीं जाते, उसको वो रह सकते हैं पानी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डक। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज मैच द राइमिंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विथ कॉलम बी। राइमिंग वर्ड, यू नो दैट, तुम लोगों को पता है राइमिंग वर्ड क्या है, जिसका पहला शुरू होता है अलग जैसा है, लेकिन खत्म होता है एक ही जैसा। तो देखो, देख लेते हैं, नंबर ए जाय, तो या राइट साइड में देखो, या ऑप्शन डी में डे है, तो इसके साथ एक ही जैसा है मिलेगा। देन ग्रो, ग्रो के साथ इस टाइप से, नंबर सी में क्रो है, तो क्रो के साथ होगा क्रो। देन विंग्स, देखो इस तरह से, नंबर ए में थिंग्स, तो इसके साथ होगा, तुम्हें लास्ट ए को दो लेटर देखना है एक ही जैसा, इस तरह का होगा राइमिंग वर्ड्स। देन देखो फानी, फानी जैसा क्या है, सानी, तो फानी के साथ क्या होगा, सानी। देन थिंक, थिंक के साथ क्या होगा, थिंक के साथ होगा ड्रिंक, देखो एक ही जैसा है जो लास्ट में उच्चारित होता है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द बर्ड। ये एक पिक्चर दिया हुआ है, इसको तुम्हें ऑब्जर्व करके देखना है। देखो ये क्या है, रबिन, पिजन, टेलर बर्ड और जाय बर्ड। देखो दिस इज जाय बर्ड, हमारा पोएम में एक जाय है, एक रबिन है, लेकिन ये है जाय, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देन देखो बाद में भी एक पिक्चर जैसा है, ऑब्जर्व द बर्ड एंड आइडेंटिफाई इट, इट इज वेबर बर्ड, हमिंग बर्ड, डव और रबिन। ये है रबिन, हमारा जो पोएम का दूसरा पक्षी।
देन चलो नेक्स्ट 11 मेंशन ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसका ट्रू फॉल्स निकालना है, एक ही है। स्मॉल बेबीज हैव टीथ। देखो जो छोटा बच्चा है, तुम्हारा भाई बहन भी नहीं हो सकते, उसका क्या टीथ रहते नहीं रहते, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नहीं होने से टीथ नहीं आते, तो इट इज फॉल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शन टिक जैसा लग रहा है, लेकिन ये सी नहीं होगा, दिस इज करेक्ट आंसर इज बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द ओड मैन, एक्चुअली ये मैन नहीं होगा, ओड ऑन होगा, आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑड्स। ठीक है, ओड मैन नहीं होगा, ये ओड आउट ऑन, ओड मीन्स जो सबसे अलग है। देखो फेदर्स बीक टीथ विंग्स, ये चारों में अलग कौन सा है? देखो फेदर बीक और विंग्स ये तीनों पक्षी का रहते हैं, लेकिन टीथ मनुष्य को रहते हैं, ह्यूमन को, तो द टीथ इज करेक्ट आंसर क्यू, ये तीनों से अलग है। देन हमारा ये पोएम का कुछ लाइन दिया हुआ है जो पढ़ना है और बाकी का क्वेश्चन का आंसर करना है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग। इसका मतलब क्या है? वो लोग बीटल को पसंद नहीं करते, बीटल नहीं खाते, वो लोग विंग्स जो फेदर ग्रो नहीं कर सकते, वो लोग कहाँ पे बैठना पसंद नहीं करते, ऑन वायर्स एंड टीन्स, इस जैसा जो वायर होता है उसमें बैठना पसंद नहीं करते। किसके बारे में बोल रहा है? मनुष्य के बारे में, कौन? पक्षी। तो देखो क्वेश्चन दिया क्या है, हु ईट बीटल्स, कौन सा, कौन बीटल खाते हैं? बीटल मीन्स कीड़े, तो हम लोग को पता है द बार्ड्स बीटल खाते हैं, तो बार्ड्स इज करेक्ट आंसर। देन चलो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, व्हाट आर पीपल हु आर बिजी विद देयर वर्क, जो मनुष्य उसका काम में बिजी रहते उसको क्या कहते हैं? इनएक्टिव, लेजी, एक्टिव, स्लीपियड। देखो करेक्ट आंसर होगा एक्टिव, क्योंकि जो काम नहीं करते उसको ही लेजी कहते हैं, वॉलर जैसा होता है, इनएक्टिव जो काम ठीक ठाक से नहीं करते जैसा, लेकिन एक्टिव जो काम में बिजी रहते हैं। देन वायर्स आर मेनली यूज्ड इन, जो वायर एक्चुअली यहाँ पे कौन सा वायर के बारे में बात कर रहा है, वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है ज़्यादा? बिल्डिंग हाउसेस, कटिंग ट्रीज, टू कॉन्डक्ट इलेक्ट्रिक करेंट और टू मेक फर्नीचर। तो करेक्ट आंसर इज टू कॉन्डक्ट इलेक्ट्रिक करेंट, जो इलेक्ट्रिक का वायर करेंट है उसमें वायर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे कुछ गलत स्पेलिंग भी है लेकिन एक सही है, तो देखो कौन सा सही है, एफ यू एन एन आई, फनी, इट इज रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर होगा एफ यू एन एन वाई। देन टी ए के ई आई एन जी, ये गलत है, टी ए एल के आई एन जी, टॉकिंग, दिस इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट स्पेलिंग। देन नेम द पोएट इन द पोएम बार्ड टॉक। देखो जब मैं पहले भी बोला है, जब कोई पोएम पढ़ोगे, जब कोई स्टोरी पढ़ोगे तो उसका बार्ड पोएट नेम और जो राइटर है उसका नाम जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आ जाता है। तो हमारा यहाँ पे कौन कौन लिखा है बार्ड टॉक? हेलेन किलर, विलियम वॉर्डसवर्थ, एलेन फिशर और रस्किन बॉन्ड। तो हम लोगों को पता है करेक्ट आंसर इज एलेन फिशर, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो द पास्ट टेंस फॉर इट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तुम लोगों को पता है पास्ट मीन्स पहला वाला, प्रेजेंट मीन्स अभी जो वर्तमान से, और फ्यूचर मीन्स भविष्य का। तो इट का क्या होता है, इट का मतलब क्या होता है, एट, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर ऊंट, देखो हम लोगों को पता है फुल फॉर्म शॉर्ट पॉट, तो ऊंट का फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे शॉर्ट पार्ट लिखा है, इसका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे होगा फुल फॉर्म ऑफ ऑन, ये होगा विल नॉट, ये होगा विल नॉट। देन व्हाट वुड यू डू इफ ए बार्ड गेट्स हर्ट, अगर कोई पक्षी तुम्हारे सामने कुछ प्रॉब्लम है वर्स्ट का, तो तुम क्या करोगे? लीव्स इट एज इट इज, ऐसे छोड़ दोगे, पहले वही तो उसके सब खिलोगे, टीस इट मोर, और कुछ भी करोगे, और गिव इट फास्ट एड, यस द करेक्ट आंसर इज गिव इट फास्ट एड। कोई भी पक्षी, कोई भी एनिमल्स, अगर उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको एट फर्स्ट फास्ट एड देना चाहिए। ठीक है,
तो दिस इज आवर टोटल 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर ऑनलाइन एग्जाम और फॉर योर स्टडी। सो व्हेन यू वॉच दिस एट फर्स्ट प्लेस राइट ऑल क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड लिसन माई स्पीच व्हाट आई से अबाउट इट। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब सो यू कैन गॉट ऑल द क्लास अप टू डेट टाइम। सो वी विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, लव यू।